हेलो एवरीवन, माय नेम इज पॉन जसपोल। बेसिकली आई एम इंग्लिश एंड फ्रेंच लैंग्वेज ट्रेनर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आप लोगों के लिए 51 कॉमन इडियम्स की सीरीज लेकर आया हूं। अगर आप हमारे चैनल पर बिल्कुल नए हैं तो आप पीछे के सारे वीडियोस जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, आप जाइए उन्हें चेक कीजिए, क्योंकि वो सारे इडियम्स आपके डे टू डे लाइफ में काफ़ी यूजफुल हो सकते हैं। आप उन्हें राइटिंग एंड स्पीकिंग दोनों ही पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। आज के जो कॉमन इडियम्स हैं वो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है, और इन्हें मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो आप भी इन्हें यूज़ कर सकते हैं। सी, इंग्लिश स्पीकिंग इज रियली अ गुड टास्क एंड बेसिकली एवरीवन वांट्स टू स्पीक इन एन इन्फ्लुएंशियल एंड इम्प्रेसिव वे। तो अगर आप भी अपने इंग्लिश के लेवल को बेसिक टू एडवांस ले जाना चाहते हैं तो आप इन सारे कॉमन इडियम्स को यूज़ कर सकते हैं। आज सीरीज का 5वां दिन है और आज मैं आपको बताता हूँ टॉप 5 कॉमन इडियम्स जिन्हें आप ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट्स कंटिन्यू विद दैट। The first idiom that you find on the screen is like to save for a rainy day. To save for a rainy day का मतलब होता है बुरे समय के लिए पैसे को सेव करना। See, no one knows like what may happen further. Future full of uncertainty होती है, किसी को कुछ भी नहीं पता क्या हो जाए। इस केस में आपको पैसे सेव करने चाहिए। इसके लिए आप सर्टेन idiom यूज कर सकते हैं, that is to save for a rainy day, जिसका बेसिक मतलब है to save for a bad time. See, we can just come across a bad time anytime. So what you have to do, you need to just make some savings. मैंने आपके लिए example frame किया, like future is full of uncertainty. Future जो है uncertainty से भरी हुई है. So we must save for a rainy day. तो हमें बुरे समय के लिए पैसे save करने चाहिए. I guess you understand it. अगर आपको भी लगता है like पैसे save करने के पीछे और भी logic हो सकता है, और भी reason हो सकते हैं, तो आप कोई एक frames करके, कोई भी एक particular sentence frame करके आप हमें comment box में भी send कर सकते हैं. Let's move forward. The next idiom is spill the beans. Spill the beans का मतलब होता है to disclose the secret. मान लो आपका कोई दोस्त है जो किसी भी secret को disclose कर देता है, तो आप कह सकते हैं like I have a friend who discloses the secret. लेकिन ये जो discloses the secret का concept आपने use किया, आप उसकी जगह इस particular idiom को भी use कर सकते हैं, जो है spill the beans. I've written an example to make you understand, like I know he can't hide anything. मुझे पता है वो किसी भी चीज़ को hide नहीं कर सकता. He always spills the beans. वो हमेशा the secrets को disclose कर देता है. So you can also frame such sentences using spill the beans as well. Let's move forward. The third idiom is to be in a tight corner. To be in a tight corner. To be in a tight corner का मतलब होता है to be in a difficult situation. किसी कठिन परिस्थिति में होना. For example, he is in a tight corner because of his ignorance. अपनी इग्नोरेंस की वजह से वो बुरी परिस्थिति में है, तो इसके लिए आप कह सकते हैं लाइक बिकॉज ऑफ हिज इग्नोरेंस ही इज इन अ टाइट कॉर्नर। सो अ टाइट कॉर्नर का बेसिक मतलब होता है बुरी स्थिति में होना। आई होप यू अंडरस्टैंड। यू कैन ऑल्सो फ्रेम सम सेंटेंसेस एंड हैव एन इंटरेक्शन विद मी। यू कैन फ्रेम द सेंटेंसेस, सेंड इट टू मी योर राइटिंग इन द कॉमेंट सेक्शन, सो दैट आई कैन चेक एंड लेट यू नो लाइक यू हैव बीन फ्रेमिंग द राइट सेंटेंसेस ऑन दैट। लुक एट द फोर्थ वन। फोर्थ वन इज ऑल अबाउट ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग का मतलब होता है गुड लक। बेसिकली ये idiom एक एक्सप्रेशन की तरह यूज किया जा सकता है। idioms बेसिकली sentence में यूज होते हैं, बट ब्रेक अ लेग को आप बेसिकली गुड लक एज एन एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। फॉर एग्जाम्पल, आई गेस इट्स योर एग्जाम टूडे, ब्रेक अ लेग। मुझे पता है कि आज आपका एग्जाम है, गुड लक। सो ऐसे सारे लोग जो जिनका आने वाले समय में कुछ एग्जाम है और वो एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं, उनके लिए मेरी तरफ से ब्रेक अ लेग इन एडवांस। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लुक एट द फोर्थ वन। Sorry, the fifth one. It's all about run like the wind. Run like the wind का यहाँ मतलब है, wind means हवा, हवा की तरह दौड़ना। हवा की तरह दौड़ने का मतलब है बहुत तेज दौड़ना। So run like the wind का मतलब होता है to run very fast. I've written a sentence to make you understand like one of my friends runs like the wind. मेरा एक दोस्त है जो बहुत तेज दौड़ता है, तो मैं कह सकता हूँ I have a friend who runs like the wind. I hope you understand all these particular idioms. आशा करता हूँ ये सारे idioms आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे। इन सारे idioms को यूज करके आपको sentences frame कर सकते हैं, and as usual I have been suggesting you all, आप हमें ऐसे sentences frame करके comment section में जरूर send करें। And if you really like the video, please don't forget to like it, just share and subscribe as well if you find it really informative. Well, thanks for being with us, and as usual I keep on suggesting you all, अगर आप language में interested हैं and you are seeking for a personal coach, you can go to our website www.accent-english.com और आप हमारे जितने भी courses हैं उसके details वहाँ से देख सकते हैं। I see you in the next video.